उज्जैन से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां 1992 में अयोध्या से कार सेवा करने वाले सत्यनारायण मोर बाबा ने एक अद्वितीय और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की है। उन्होंने भगवान श्री राम की पवित्र चरण पादुकाओं को लेकर उज्जैन की पवित्र धरती पर अपना कदम रखा है। इस अद्वितीय पथिक यात्रा में उन्होंने श्रीलंका से लाई गई चरण पादुकाएँ साथ लेकर भक्तों के दिलों को छूने का अद्भुत अनुभव किया है। इस श्रेष्ठ क्षण के बाद श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत अयोध्या में चरण पादुकाओं का पूजन होगा, जो भक्तों को दिव्य आत्मा के साथ जोड़ेगा। इस अद्वितीय क्षण में हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी, संघ, भाजपा और महाकाल मंदिर समिति से लेकर मंदिर के पुजारीगण सभी एक साथ होकर इस पवित्र घटना का आयोजन करेंगे, जो भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्से को बढ़ावा देगा। उज्जैन के भारत माता मंदिर में भी चरण पादुका पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, राजेंद्र गुरु, जयंत गरुण, रूपेश ठाकुर, अनिल चंदेल और अन्य भक्तगण भी समाहित थे, जिन्होंने इस पवित्र घटना को साक्षात्कार से भरा दिल से महसूस किया। उज्जैन से हमारे रिपोर्टर नीलेश मालवीय की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।